वेलकम एवरीवन। आज हम ईमेल राइटिंग सीखेंगे कि ईमेल राइटिंग कैसे करते हैं। इसके पहले मैंने आपको लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग भी सिखाया है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि ईमेल राइटिंग कैसे करते हैं। ईमेल आजकल हर कोई लिखता है, ठीक है, हर कोई लिखता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। अलग अलग रीजन्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट जो होता है लगभग हर ईमेल का सेम ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ ईमेल राइटिंग का। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप फ्रॉम में आपका ईमेल आएगा, ठीक है। जो जिस ईमेल से आप लिख रहे हो आपका ईमेल आईडी फ्रॉम में आएगा। टू में उसका ईमेल आईडी आएगा जिसको आप मेल लिख रहे हो, ठीक है। ये तो आपको पता है, सीसी में आप किसी को रखना चाहते हैं तो इट्स ओके। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में जहाँ पर आप मेंशन करोगे कि आप किस लिए ईमेल लिख रहे हो, ठीक है। अगर आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हो इसलिए आप ईमेल लिख रहे हो तब भी आप मेंशन कर दो उसको वहाँ पर। अगर आप जॉब एप्लीकेशन के लिए मेल लिख रहे हो तो उसको वहाँ पर मेंशन कर दो सब्जेक्ट में। अगर आप रिज़ाइन कर रहे हो और मेल लिख रहे हो उसको भी मेंशन कर दो। जो भी आपकी बॉडी है, जिस भी वजह से आप ईमेल लिख रहे हो उसको आपने सब्जेक्ट में मेंशन करना है, जैसे हम लोग लेटर राइटिंग में करते थे, ठीक है। लेटर राइटिंग में जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है। अब बॉडी पे आते हैं, स्टार्ट करना है हमको सॉल्यूटेशन से, ठीक है। डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, हाय, हेलो, जो भी है, ठीक है। ग्रीटिंग करनी है हमको, ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, सॉल्यूटेशन हमारा आएगा। उसके बाद में आएगा एक ओपनिंग सेंटेंस, जैसे होप यू आर डूइंग वेल, होप यू आर डूइंग ग्रेट, होप यू हैड अ ग्रेट डे, जो भी है। एक अच्छा सा पोलाइट सेंटेंस आपको यूज़ करना है टू स्टार्ट योर ईमेल, ठीक है। ईमेल स्टार्ट करने से पहले एक ओपनिंग सेंटेंस लिखना है टू ऐड सम मोर पोलाइटनेस इन योर मेल, ठीक है। टू और यू कैन मेक इट मोर प्रोफेशनल, ठीक है। सो उसके बाद में आती है हमारी मेन बॉडी, जिसमें आप पूरा जो है आपका कंटेंट लिखोगे, जो आपका मेल का पूरा जो कंटेंट है उसमें बॉडी में आएगा, ठीक है। एंड में आएगा हमारा क्लोजिंग सेंटेंस, जैसे हम लोग ईमेल में, जैसे हम लोग नॉर्मल लेटर में लिखते थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एंड में आएगा हमारा क्लोजिंग सेंटेंस। उसके बाद में आता है सिग्नेचर, जहाँ पर आप आपका नाम वगैरह लिखते हो, ठीक है। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। आज हम लोग ईमेल का टॉपिक रखने वाले हैं, ईमेल टू आस्क फॉर एक्सपीरियंस लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की, फॉर एग्जांपल लास्ट मैं अपनी प्रीवियस जॉब्स में जो भी मेरे हेड है उनको एक ईमेल लिखूंगी और उनसे मैं अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगूंगी कि मुझे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सब्जेक्ट मेंशन कर देती हूँ, एप्लीकेशन टू आस्क फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मांगने के लिए जो है एप्लीकेशन लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब आएंगे हमारे फ्रॉम में आएगा, आपका ईमेल टू में आएगा जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं, सब्जेक्ट में आपने मेंशन कर दिया। अब सॉल्यूटेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूटेशन में मैं लिख रही हूँ डियर सर और डियर मैम, जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है, जो आपके हेड है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं ओपनिंग सेंटेंस लिखूंगी एक, ठीक है। ओपनिंग सेंटेंस में मैं लिख रही हूँ आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, और आप लिख सकते हैं आप आई होप यू आर डूइंग फाइन, आई होप यू आर डूइंग गुड, जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है। कोई एक पोलाइट सा अच्छा सा सेंटेंस चूज़ कीजिए। अगर आप सर्च करते हो तो ओपनिंग सेंटेंस में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है, वैरायटीज़ में मिलेंगे आपको ओपनिंग सेंटेंसेस, ठीक है। मैं ज़्यादा खींचना पसंद नहीं करती उस चीज़ को, इसलिए मैंने एक सिंपल सा ओपनिंग सेंटेंस लिखा आई होप यू आर डूइंग फाइन, और सॉरी आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। उसके बाद में मैं आती हूँ अपनी बॉडी पर, ठीक है, जो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, थोड़ा सा पैराग्राफ बना लेते हैं हम लोग। आई एम writing this mail to request you
टू इशू माय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और यू कैन राइट एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ये लिखूंगी कि मैं क्यों लिख रही हूँ। ठीक है, हम लोग लेटर राइटिंग में क्या करते थे, अपना नाम पहले मेंशन करते थे, आई एम दुर्रे शहबार खान राइटिंग यू दिस लेटर टू सो एंड सो। ठीक है, तो उसी तरह अगर आप ईमेल राइटिंग में भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई एम दुर्रे शहबार या आई दुर्रे शहबार खान राइटिंग दिस मेल to request you to issue my experience letter। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि आप आप लेटर क्यों लिख रहे हो। ठीक है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि क्यों लिख रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में, देन अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, आई हैड वर्कड एज अ टीचर in your school from 15th June 2016 to 3rd Feb 2020। ठीक है, अच्छा, जब भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि आपने उस इंस्टीट्यूट में, उस एकेडमी में, उस कंपनी में कब, आपका ज्वाइनिंग डेट कब थी और आपने कब तक वहाँ पर काम किया, यानी स्टार्टिंग डेट से लेकर आपकी जब आप लीव कर रहे हो उस जॉब को, आपने कब तक लास्ट डेट तक काम किया, उस चीज़ को मेंशन करना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ मेंशन होकर आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वही चीज़ मेंशन होकर आपके सर्टिफिकेट में आती है। तो मेक श्योर कि आप जो डेट लिख रहे हो ना वो सही हो। ठीक है, तो ये मैंने अपने प्रीवियस जॉब के एक्सपीरियंस पर लिखा था, तो मैं रैंडमली यहाँ पर डेट लिख रही हूँ। ठीक है, तो यस, दिसंबर 2020। ठीक है, नाउ आगे मैं लिखूंगी कि आई हैव सक्सेसफुली सर्व्ड माय नोटिस पीरियड एंड have also completed my handover process and exit formalities। ठीक है, अच्छा, जब आप कोई जॉब छोड़ते हो, कोई कहीं पर रिजाइन देते हो, तो आपको छोड़ने के बाद में एग्जिट फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, यानी जो नया आने वाला एम्प्लॉय है, आप उसको आपका सारा जो भी है, आपका मटेरियल उसको हैंड ओवर करना पड़ता है, आपको सब अपने पास जितने भी जो उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको वापस देना होता है। ठीक है, तो एक हैंड ओवर प्रोसेस होता है जो एप्लीकेशन एक्सपीरियंस लेटर लेने से पहले आपको ये प्रोसेस कम्प्लीट करना होता है। सो अगर आपने ये प्रोसेस कम्प्लीट कर लिया है, तो आप इस चीज़ को मैंशन ज़रूर करिए कि मैंने जो है, आई हैव सक्सेसफुली सर्व माई नोटिस पीरियड, यानी जो भी मेरा था मैंने उसको अच्छे से किया है कंप्लीट अपने नोटिस पीरियड का। ऑल्सो मैंने क्या किया है, अपने जो हैंड ओवर प्रोसेस था, जो मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना था और जो भी एग्जिट फॉर्मेलिटीज थी, मैंने उसको अच्छे से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हेंस इसीलिए काइंडली इशू माय एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है, हेंस काइंडली इशू माय एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है, अच्छा,
ये तो हो गया फर्स्ट पैराग्राफ. अच्छा, अब यहाँ तक हमारा सब खत्म हो गया. हमने हमारा पर्पस जो है, मैं ईमेल लिखने का पर्पस इसमें जो है मेंशन कर दिया. अगर अब आप चाहो तो आप थैंक्स दे सकते हो उस पर्सन को, उस इंस्टीट्यूट को, कि आई वुड लाइक टू थैंक योर इंस्टीट्यूट कि आपने मुझे, आप बहुत कुछ हेल्प किया जब तक मैं वहाँ थी, आपने मुझे बहुत हेल्प की, मैं मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आप लिख सकते हो, थोड़ी बटरिंग कर सकते हो आप, ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट. बट मैं, मुझे नहीं पसंद ये सब, मतलब मैं नहीं लिखती हूँ यूजुअली, बट अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा. ठीक है, तो इट्स ओके फाइन इफ़ यू आर राइटिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट इन योर ई मेल टू यू नो इम्प्रेस द पर्सन, यू कैन राइट. ठीक है, तो अगला जो है हमारा क्लोजिंग. ठीक है, अब हमारी क्लोजिंग की तरफ आते हैं. क्लोजिंग में मैं लिखूंगी, काइंडली कंसीडर माई एप्लीकेशन. ठीक है, अच्छा ये जो है आप इस क्लोजिंग स्टेटमेंट को कहीं भी, ज़्यादातर ईमेल में, ज़्यादातर जो है एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो कि काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन. ठीक है, इतना भी लिखना काफ़ी होता है. लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपको जल्द से जल्द एप्लीकेशन चाहिए और आपको होता है ना कि आगे भी सबमिट करना होता है वो एप्लीकेशन, तो आप लिख सकते हो काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन ऑन प्रायर बेसिस एज आई सपोज टू सबमिट अ कॉपी ऑफ माई एक्सपीरियंस लेटर टू द नेक्स्ट एम्प्लॉयर. ठीक है, मुझे आगे भी जो है मेरा सर्टिफिकेट सबमिट करना है, तो काइंडली जो है मेरा काम, जो मेरा जो है एप्लीकेशन है वो प्रायर बेसिस पर आप करने की कोशिश करो. ठीक है, एंड इफ़ यू आर नॉट इन हरी देन इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन. अगर आप एक ही स्टेटमेंट लिखते हो कांडली कंसिडर माई एप्लीकेशन, इट्स कम्प्लीटली फाइन. ठीक है, अब आते हैं हम हमारे क्लोजिंग, मतलब जो एंड में हम, ठीक है, थैंकिंग यू, आपको थैंकिंग यू लिखना है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली लिखिए, योर्स सिंसियरली लिखिए, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, मैं मेरा नाम लिख रही हूँ यहाँ पर. ठीक है, तो ये था हमारा स्वीट एंड सिंपल ईमेल राइटिंग. ठीक है, ईमेल राइटिंग जिसमें मैंने अप्लाई किया था टू आस्क फॉर द एक्सपीरियंस लेटर. ठीक है, मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ आप लोगों को. डियर सर, ठीक है, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. I, Khandure Shehwar, writing you this mail to request you to issue my experience certificate, or you can write letter. I had worked as a teacher in your school from 15th June 2016 to 3rd Feb 2020. Okay? I have successfully served my notice period and have also completed my handover process and exit formalities. Hence, kindly issue my experience letter. Okay? एन का सेंटेंस है मेरा काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन, जो क्लोजिंग सेंटेंस है मेरा. उसके बाद में थैंकिंग यू, योर्स थ्रूली, आपका नाम. ठीक है, तो ये था फॉर्मेट ईमेल राइटिंग का. ठीक है, दिस इज़ एज सिंपल एज लेटर राइटिंग. अगर आपको लेटर राइटिंग आता है तो ईमेल राइटिंग इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट. ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर.